तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही 100% जेनुइन वीडियो है दोस्तों। जी हाँ, अगर आपने आपके फ़ोन से दोस्तों गलती से या जाने या अनजाने में गलती से गैलरी से आपने कुछ भी फोटो या वीडियो डिलीट कर दिया था और उस फोटो को अभी आप वापस लाना चाहते हो दोस्तों, तो आप लोगों को ऐसा एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिस ऐप की मदद से आप 100% फ्री तरीके से दोस्तों आप उस फोटो या वीडियो को आप गैलरी में वापस ला सकते हो। आपको प्ले स्टोर में दोस्तों ऐसा हजारों ऐप मिल जाएगा, वो इंस्टॉल करने के बाद आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ता है दोस्तों, या उस पर वाटरमार्क रहता है। मैं जो ऐप के बारे में बताऊंगा दोस्तों ये प्ले स्टोर में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही जेनुइन और सेफ ऐप है दोस्तों आपको वो डेटा रिकवरी करने के लिए। ठीक है, मैं जो बताऊंगा दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और ना ही वाटरमार्क रहेगा, ना कुछ आपको पैसे देने की जरूरत पड़ेगा। तो चैनल पर अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब करके रखना, आपको ऐसा वीडियो दोस्तों आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए मेरे फोन के स्क्रीन में लेके जाकर दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कैसे आप डाटा रिकवर करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस ऐप के लिए आपको गूगल में जाके यहाँ पे सर्च कर लेना होगा WBZEE24 DELETE PHOTO RECOVERY, डिलेट फोटो रिकवरी। यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए WBZEE24 DELETE PHOTO RECOVERY। कुछ भी गलती से गलत टाइप करोगे ये नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों नीचे आते ही आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड लिंक सबसे नीचे है, देख सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप इस ऐप को दोस्तों इंस्टॉल कर लीजिए आपके फोन में। डाउनलोड पे क्लिक करोगे दोस्तों ये ऐप जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको कैसे रिकवर करना है ये प्रोसेस अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐप जैसे ही इंस्टॉल करोगे दोस्तों आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्री आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। सब कुछ सही तरीके से एग्री वगैरह करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे डाटा फोटो रिकवरी का। ठीक है, तो ओपन करने के बाद फोटोज वीडियोज ऑडियोज फाइल्स क्या आपको रिकवर करना है ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको पहले सबसे पहले फोटो रिकवर करना है तो फोटो पे क्लिक करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाने के लिए गैलरी पे लेके जाके दिखा देता हूँ कि अभी फिलहाल मेरे गैलरी पे दोस्तों 2345 फोटोज है और 165 यहाँ पे वीडियोस है। आप यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लीजिए तो यहाँ पे रिकवर करने के बाद कितना आता है दोस्तों ये भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फोटोज में यहाँ पे क्लिक करूंगा, अलाउ एक्सेस मांग रहा है, अलाउ मैं कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अलाउ वगैरह सब कुछ सही तरीके से दोस्तों आपको करना होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो फोटो पे फिर से क्लिक करूंगा और स्कैनिंग होने लग गया है, नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्कैनिंग। तो दोस्तों स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो कितना मतलब थाउजेंड्स ऑफ फोटोज यहाँ पे वापस आ गया है। कई साल पहले जो डिलीट हुआ था वो भी यहाँ पे वापस आ गया है। तो उसको रिकवर करने के लिए मान लो यहाँ पे ये और ये वाला मैं रिकवर करूंगा, रिकवर करने के लिए देख सकते हो सिलेक्ट करते ही नीचे रिकवर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। रिकवर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे इसके बाद स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज और फोन एल्बम, तो फोन एल्बम सिलेक्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, रिकवर सक्सेसफुली हो गया है। फोन का जो फाइल मैनेजर है यहाँ पे जाते ही दोस्तों ओपन कर लीजिए फाइल मैनेजर। इसके बाद फाइल मैनेजर पे आते ही दोस्तों जो जितना भी फोल्डर है यहाँ पे DCIM का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करते ही अभी अभी जो मैंने यहाँ पे रिकवर किया हो देख सकते हो ये वापस आ गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से वीडियो रिकवर करने के लिए वीडियो सिलेक्ट करना और वीडियो भी यहाँ पे स्कैनिंग होने लग गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो जितना भी वीडियो था यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया है। वो वीडियो कौन सा मुझे यहाँ पे रिकवर करना है, रिकवर करने के लिए यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे चूज करना होगा। ठीक है, तो मान लो ये जो वीडियो है रिकवर्ड, तो इस पे मैं सिलेक्ट करके रिकवर का ऑप्शन आ गया है रिकवर करूंगा, फोन एल्बम और सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फाइल मैनेजर पे जाऊंगा, फाइल मैनेजर पे जाते ही यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करते DCIM का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो रिकॉर्ड बोल के लिखा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों ये 2022 का वीडियो है, December 30 को मैंने इसको डिलीट किया था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।